गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट चल रही है। टॉपिक था अपना डिफेक्ट, तो दो टाइप के डिफेक्ट पढ़ चुके थे। तो ठीक है, तो यानी कि आपने पढ़ा था पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के फिर टाइप चल पड़े थे, तीन थे मेनली। तो ठीक है, तो दो तो हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। यानी एक ही पढ़ा, स्टेचोमेट्री डिफेक्ट। स्टेचोमेट्री डिफेक्ट के मेन टाइप्स थे दो, सोट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। उसके बारे में स्टडी कर लिया। अब इसके ही यानी कि जो आपका स्टेचोमेट्री डिफेक्ट है उसी के टाइप्स थे, तो उसमें ये भी पूछ लेते कई बार, वैकेंसी डिफेक्ट भी है, ठीक है। तो वैकेंसी डिफेक्ट देखो, वैकेंसी डिफेक्ट होता क्या है, देखो भाई। अब आपको पता चल गया, तो जो आपने ये पढ़ा था कि जो इंटरस्टिशियल साइट है वो क्या होनी चाहिए, वैकेंट। इंटरस्टिशियल साइट क्या होनी चाहिए, वैकेंट। तो उसको क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। तो इट इज़ द डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट कब होगा, इट इज़ द डिफेक्ट अराइजेज इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल में अराइज होगा, कब होगा, some of the lattice site are vacant। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, जिसमें वैकेंट हो। तो कल परसों हमने पढ़ा था कि ये क्रिस्टल की अरेंजमेंट थी, ठीक है। तो इसमें मान लो कि कोई भी पार्टिकल क्या मिस आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार मिस आ जाए यानी कि वैकेंट आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ठीक है। तो सोडियम आयन, ये क्लोराइड आयन, मान लो कि यही खाली रह गया, ठीक है, क्लोराइड आयन, फिर सोडियम आयन, ठीक है, ये क्लोराइड आयन, ये सोडियम आयन। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन होंगे, तो अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए अब कौन सा सोडियम आयन है, तो इसका मतलब यहाँ प्रेजेंट आ जाए, ठीक है, या फिर कई अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सके है, ठीक है। यानी कि मेनली क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन जरूर रखने हैं, क्योंकि स्टेच्योमेट्री है, ठीक है। तो डिफेक्ट है कौन सा, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंट पोजिशन है। कौन सी, लैटिस साइट, ठीक है, लैटिस साइट। एक और है डिफेक्ट इसका, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भाई, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भाई। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आपने पढ़ा कि जो कोई एलिमेंट है वो प्रेजेंट होना चाहिए, कहाँ प्रेजेंट हो जाएगा कि इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर प्रेजेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जरूर नहीं है कि ये अकेला ही हो, वैकेंट पोजिशन है, तो इसका मतलब यहाँ से ये भी हट सकता है, ये भी हट चला जाए। तो इक्वल नंबर जरूर हटाने हैं वैकेंसी डिफेक्ट में भी। और इंटरस्टिशियल में यानी एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, अब कोई एलिमेंट मान लो कि इसकी पोजीशन के अंदर यहाँ से हट करके, यानी लैटिस साइड से हट करके कहाँ चला जाए, इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर आ जाए। तो इस प्रकार की पोजीशन को, इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। तो अब आपको पता है कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, तो सोडियम क्लोरीन, सोडियम, अब देखो ये भी यानी कि क्लोरीन है, ये सोडियम आ गया, ये क्लोरीन आ गया, ये सोडियम आ गया, ये क्लोरीन आ गया, ये सोडियम आ गया, ये क्लोरीन आ गया, ये सोडियम आ गया, ये क्लोरीन आ गया। अब देखो यदि यहाँ से हटा करके यहाँ छोड़ते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नहीं कहलाओगा, क्योंकि ये पोजिशन से हट करके है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एलिमेंट, अदर एलिमेंट प्रेजेंट होगा। अब देखो सोडियम ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब एक और एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कब होगा, इट इज़ द डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू द एलिमेंट्स, एलिमेंट की बजाय कैटायन या एनायन या आयंस कहेंगे या पार्टिकल कहेंगे, आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर प्रेजेंट हो, तो इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो द डिफेक्ट अराइजेज इन द क्रिस्टल सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट।
तो इंटरस्टीशियल साइट पे प्रेजेंट हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप है नॉन स्टेच्योमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टेच्योमेट्री डिफेक्ट, ठीक है। तो स्टेच्योमेट्री तो पढ़ लिया, मेनली दो ही टाइप का था और दो टाइप और बता दिए उसके, ठीक है। तो नॉन स्टेच्योमेट्री डिफेक्ट, स्टेच्योमेट्री में ये बताता है इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर रिलेटिव साइट, ठीक है। तो इसमें इक्वल नंबर नहीं होंगे भाई, ठीक है। तो याद रखोगे या तो कैटायन ज़्यादा मिस होंगे या एनायन मिस होंगे, ठीक है। तो इट इज़ द डिफेक्ट अराइजेस इन द क्रिस्टल व्हेन द रेशियो ऑफ कैटायन टू द एनायन बिकम डिफरेंट, यानी कि इनका रेशियो बराबर नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार के डिफेक्ट के क्या बोलते हैं, नॉन स्टेच्योमेट्री डिफेक्ट्स, ठीक है। ये भी मेनली दो ही प्रकार का है। तो फर्स्ट टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखिए अब नाम से ही पता चल रहा है कि किसी मेटल एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो, क्या हो, मेटल एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो, ठीक है। या फिर क्या है कि एनायन मिस हो, तो इस प्रकार। तो ये दो टाइप का बताया है। तो पहला टाइप है बाई एनायन वैकेंसी, क्योंकि देखो एनायन कम होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ द डिफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू द क्या है, मिसिंग ऑफ द एनायन फ्रॉम देयर रिलेटिव साइट, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि इट इज़ द डिफेक्ट arises due to missing of anion from lattice site, ठीक है। तो lattice site से miss तो हो गया, लेकिन क्या है कि electrical neutrality को maintain करने के लिए हमने क्या करें, कहेंगे कि जो वैकेंसी है ना, क्रिएटिंग ए वैकेंसी, जो वैकेंसी प्रोड्यूस हुई, उस वैकेंसी को कौन गेन कर लेगा, क्रिएटिंग ए वैकेंसी विच इज़ ऑक्यूपाइड बाई एन इलेक्ट्रॉन के द्वारा गेन कर ली जाओगी, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हमने क्या है कि उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, अब यही मान लेते हैं कि छोटे छोटे अरेंजमेंट भाई, तो इस छोटे से छोटी अरेंजमेंट में अब सोडियम आयन क्लोराइड आयन आना चाहिए था, ये मिस हो गया मान लिया। तो एनायन की वैकेंसी आ गई, तो इस एनायन की वैकेंसी को फिल करने के लिए आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, कौन सा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा है इसी का, क्योंकि मेटल एक्सेस का है या तो एनायन वैकेंसी हो, दूसरा पार्ट है इसका। तो दूसरे के हिसाब से बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, कोई एक्स्ट्रा कैटायन हो, ठीक है। तो इन द इंटरस्टीशियल साइट के अंदर एक्स्ट्रा प्रेजेंट आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट इंटरस्टीशियल साइट। तो अब आपको पता चल गया ये अरेंजमेंट है, मान लो कि छोटे से छोटे अरेंजमेंट यही मान ली, ठीक है। सोडियम आयन क्लोराइड आयन, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है पार्टिकलों की, तो इसके अंदर कोई कैटायन एक्स्ट्रा कैटायन सोडियम आ जाए, कुछ और आ जाए, तो क्या है, तो इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होगा या क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा, लेकिन क्लोराइड लिख नहीं सकते क्योंकि एनायन कैटायन बराबर हो जाएंगे, तो मेटल एक्सेस कहाँ हुई, तो इसलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन ही ऐड करते हैं, याद रखोगे, ठीक है। तो
हो जाएगा। तो कहते हैं कि इट इज़ द डिफेक्ट, इट इज़ द डिफेक्ट अराइजिस अराइजिस ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटायन आर ए प्रजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट ठीक है। एंड याद रखियो इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो प्रजेंट ठीक है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ठीक है तो याद रखोगे ठीक है। दूसरा टाइप है नॉन स्टोइकोमेट्री में, दूसरा टाइप है इसका तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। चलो ये बाद में करेंगे।